हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी एडवेंचर्स। आज हम फिर से आए हुए हैं केवी नंबर 2 ग्वालियर में। मेरा पहले का ब्लॉग्स में भी आप लोग को बताया था कि हम ग्वालियर आए हुए हैं, यहाँ पे अंदर 14 का खो खो मीच चल रहे हैं। तो आज डेट है 5 नवंबर, आज फाइनल्स है। तो अभी हम ग्राउंड पे आए हैं, अभी कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाले हैं। तो आज आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाऊँगा जो फाइनल्स और थर्ड पोजिशन के लिए जो मैच है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैच शुरू हो चुका है गाइस, अभी थर्ड पोजिशन के लिए खेल रहे हैं लखनऊ रीजन और हैदराबाद रीजन। यहाँ पे स्पेक्टेटर्स गेम को एंजॉय करते हुए, ये बाकी रीजन्स के बच्चे हैं। ये जो ग्रीन जर्सी में है वो लखनऊ रीजन है, अभी चेस करते हुए, और हैदराबाद रीजन डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे लखनऊ का कोच और उनके टीम मेंबर्स। हैदराबाद टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, अभी तक सिर्फ एक ही आउट हुआ है और बहुत टाइम कवर कर लिया है। लग रहा है हैदराबाद ही जीतेंगे। तो गाइस, फाइनल स्टार्ट हो चुका है, अभी मैच चल रहा है बेंगलुरु और वाराणसी रीजन के बीच में। ये जो येलो जर्सी वाला टीम है ये बेंगलुरु रीजन है, जो कि अभी चेस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं बेंगलुरु रीजन, अभी तक काफ़ी प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं। और यहाँ पे एक सुंदर पोल डाइव और एक प्लेयर आउट हो गया है वाराणसी का। ये है बेंगलुरु का कोच। तो गाइस, अभी ये इनिंग्स का दूसरा टर्न चल रहा है, अभी वाराणसी रीजन चेस कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एक ही प्लेयर आउट कर पाया है। बेंगलुरु टीम ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला वाराणसी के कंपैरिजन में। मैच कम्प्लीटली वन साइडेड हो रहा है। फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म हो गया, अभी सेकेंड इनिंग शुरू होने वाला है। तो बेंगलुरु रीजन चेस करने के लिए ग्राउंड के अंदर आ गए। ओके गाइस, वाराणसी ने डिसीजन चेंज कर लिया, अभी वो फिर से चेस करेंगे। तो इसका मतलब बेंगलुरु रीजन बैक टू बैक अभी डिफेंड करेंगे। तो अभी प्लेयर्स थोड़ा रेस करेंगे शायद। ऑलराइट गाइस, अभी सेकेंड इनिंग शुरू होने जा रहे हैं। तो अभी वाराणसी रीजन को मिनिमम 8 प्लेयर्स आउट करने पड़ेंगे, तभी ये गेम आगे बढ़ेगा, नहीं तो बेंगलुरु पहले विनर डिसाइड किया जाएगा। और गाइस, अगर आप लोग को ये खो खो गेम के बारे में पता नहीं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो इसमें एक टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं और 2 इनिंग्स होते हैं। तो एक इनिंग्स में 2 टर्न होते हैं, यानी एक टीम को एक बार चेस करना पड़ेगा और एक बार डिफेंड करना पड़ेगा। और इसमें 9 मिनट्स के अंदर हम कोशिश करते हैं जितना हो सके प्लेयर्स आउट करने के लिए। सो 2 इनिंग्स के बाद जो टीम सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को कैच करते हैं वही विनर बन जाते हैं। सो गाइस, अभी आप लोग ये गेम को एंजॉय कीजिए।
मैंने भी कभी खेला था, पता नहीं है। ये तो देख वजन से दूसरे कैप्टन ने कहाँ डाल रही है। मैच खत्म हो गया एंड एज एक्सपेक्टेड बेंगलुरु रीजन जीत गए एक इनिंग से। वाराणसी टीम सिर्फ 3 ही प्लेयर्स आउट कर पाए, तो उनको मिनिमम 8 प्लेयर्स आउट करना था। तो अभी आप देख पा रहे हैं बेंगलुरु टीम अपना जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गाइस इस बार का 51st नेशनल स्पोर्ट्स गेम अंडर 14 खो खो गर्ल्स से ही ख़त्म हुआ। तो विनर रहे बेंगलुरु टीम और रनर सब रहे वाराणसी, और थर्ड पोजीशन मिला है चेन्नई रीजन को। सो गाइस ये रहा हमारा विनर टीम बेंगलुरु रीजन अपना विनिंग को सेलिब्रेट करते हुए। तो आप लोग से थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलूंगा मैम, कैसा लगा जीत? बोलो आप लोग बहुत अच्छा था, यहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी एंड सब कुछ हमें मिला। आपका मोबाइल लेवल जी जी मैं व्लॉग बना रहा हूँ मैम, एक्चुअली इससे पहले भी बनाया था तो बस हाँ। लेकिन लास्ट मैच तो मुझे थोड़ा वन साइडेड लगा, आप लोग बहुत ही अच्छा खेले। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। ओके गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, यहाँ स्कूल बिल्डिंग के अंदर अभी क्लोजिंग सेरेमनी एज वेल एज अवार्ड सेरेमनी होंगे, लेकिन उसको तो मैं नहीं देखूंगा, मुझे अपना जो केबी नंबर 1 पे वापस जाना है। तो हम कल निकलेंगे यहाँ से, कल हमारा ट्रेन है 4 बजे सुबह को। ठीक है गाइस, तो ये ब्लॉग को मैं जारी रखता हूँ, एक छोटा सा ब्लॉग था। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग, थैंक यू, सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।